एंड uh, कुछ इस तरीके से आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिल जाएगा एंड अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो टू नाइन्टी रुपीज इसका प्राइस है जो कि यहाँ पर मेंशन है एंड कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की लाइक like, पैकेजिंग uh, में मिल जाता है आपको कार्डबोर्ड ठीक है एंड दिस विल कम्स इन पम्प फोम सो आपके लिए काफ़ी हैंडी कन्वीनियंट हो जाता है एंड दिस इज़ वेरी जिनक भी है अगर इसके साथ पम्प है तो आपको बेबी फिंगर डिप नहीं करनी है सो so, ये जो प्रोडक्ट है आपकी स्किन मतलब आफ्टर वैक्स वगैरह जो भी आप करते हो वो करने के बाद इचिंग नहीं करने देता रैशेज नहीं होते एंड इरीटेशन uh, uh, भी नहीं होती है एंड ये आपकी स्किन को काम डाउन करता है एंड आपकी स्किन को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है डलनेस से प्रिवेंट करता है वो तो इंस्टेंट रिलीफ देता है लाइक हार्श इफेक्ट जो भी आपके आ, वैक्सिंग की या फिर हेयर रिमूवल क्रीम की वजह से पड़े हैं तो उससे भी आपको ये लाइक रिलीफ देता है इंस्टेंट रिलीफ ओके ओके okay, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो है एक्वा एलोवेरा जो जो ऑयल सनफर ऑयलडर ऑयल क्लोव ऑयल विटामिन ई e कुछ इन्होंने इन डाल रखा है इसके अंदर ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करता है आफ्टर वैक्सिंग एंड हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करने के बाद ओके एंड आपकी स्किन पे जेंटल है सूदिंग है कामिंग है मॉइस्चराइजिंग है ये प्रोडक्ट इसकी जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो मिलती है हंड्रेड ग्राम्स एंड कुछ इस तरीके से पम्प फोम में आ जाता है विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग क्योंकि बहुत हाइजीनिक हो गया है लाइक अगर पंप के साथ आती है कोई भी प्रोडक्ट तो वो बहुत हाइजीनिक होती है प्रोडक्ट के अंदर आपको पैराबिन्स नहीं मिलेगा सो so, या आपकी स्किन के लिए बिल्कुल नेचुरल है सेफ है एंड या आपको कुछ इस तरीके से पंप फॉर्म में मिलता है ये एंड चलो मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ राइट नाउ मेरे कोई हेयर्स वगैरह तो है नहीं क्योंकि लाइक अभी मैंने दो तीन दिन, दिन पहले वीडियो बनाई थी उससे पहले मैंने रिमूव किए थे सो so, मेरे हाथ पे कोई हेयर तो है नहीं आप इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ आपको जब भी आप अपने लाइक हेयर रिमूव करते हो वैक्सिंग करवाते हो या क्रीम के साथ रिमूव करते हो रेजर के साथ रिमूव करते हो तो आपको कुछ नहीं करना रिमूव करने के बाद हेयर्स को आपको बस ये ले लेना है कुछ इस तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से मतलब लाइक वेरी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी एंड आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है एंड जहाँ पर भी आपने हेयर मूव करे हैं उस पार्ट पे आप इसको लगा सकते हो एंड ये कुछ इस तरीके से आपको लगेगा कि लाइक like, क्या हो रहा है लाइक like, इतना uh, क्रीम क्यों ये क्रीम की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है बट कोई बात नहीं आप इसको ब्लेंड करते रहोगे ना ब्लेंड करोगे ना तो ये ठीक हो जाएगा एंड uh, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा एंड या uh, yeah. अभी देखो आप हो गया ना गायब एकदम से सो या इसने लाइक स्किन मेरी बहुत स्मूथ लग रही है एंड बहुत मॉइस्चराइज लग रही है ऐसे ड्राई ड्राई फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी एंड ये देखो अभी आप देख सकते हो डिफरेंस एंड बहुत मॉइस्चराइजिंग फील हो रहा है मेरे को एंड बहुत स्मूथ फील हो रहा है एंड फ्रेग्रेंस uh, इसमें बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है एंड uh, कोई हेयर मूवल क्रीम यूज करते हो तो ये उसकी स्मेल को भी गायब कर देगा मतलब ये उसकी स्मेल को भी खत्म कर देगा सो या एंड मुझे छूने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा भी नहीं कि चिपचिप -चिप लग रहा है बट uh, ना चिपचिप -चिप, ना ड्राईनेस बहुत अच्छा फील हो रहा है एकदम स्मूथ सा सो या गाइज आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए